जी मेरे बच्चों तैयार हो? पूछूं? अच्छा जी चले, सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं मैं। ये जो हमारा ब्लैक कुर्ता शलवार में बच्चा बैठा है, पता नहीं कुर्ता शलवार पहना है इसने, टी शर्ट पहनी है, क्या पहना है पता नहीं, जल्दी से मुझे बताओ फेयर वैल्यू बिड प्राइस है, ऑफर प्राइस है या रिप्लेसमेंट वैल्यू है? फेयर वैल्यू बिड प्राइस है, ऑफर प्राइस है या रिप्लेसमेंट वैल्यू है? बिड प्राइस है। अच्छा जी, बिड प्राइस का मतलब क्या होता? खुद तुम अपने सेंटेंस में कंफ्यूज हो। ऑफर प्राइस एक अलग चीज है, बिड प्राइस एक अलग चीज है। बिड प्राइस क्या होती मतलब है? वेरी गुड, जो सामने वाले ने वैल्यू लगाई है वो क्या है? वो बिड प्राइस है। ऐसा रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? हाँ नहीं, अभी मुझे ना वो टीचर वाले रूप में नहीं आने दो, अभी बड़े भाई वाले रोल में रहने दो। जी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है? टोटल रॉकेट, टोटल रॉकेट नहीं, जिसको आता उससे थोड़ी पूछना है। जी प्यारे भाई रिप्लेसमेंट वैल्यू, वेरी गुड सर। इस जैसे एसेट की मार्केट वैल्यू क्या होगी? यार क्यों भाई, एक चीज क्लास में कई दफा डिस्कस होती है, ठीक है जी। इसी तरह फिर पेपर में एमसीक्यूज आते हैं और आप जो है ना वो बोलड़ी बन के बैठे होते हो, ना कुछ याद आ रहा होता है, तो इससे बेहतर है रजिस्टर देख लिया करो ना एक दफा। अगर आदत बन गई ना चीजें देखने की, साथ साथ आपको मैं यकीन से बता रहा हूँ यार, लोगों के फेल होने का ये रीजन नहीं होता कि सीए मुश्किल है या जो है वो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग कॉन्स्टेंटली चीजों को रिवाइज नहीं करते, ठीक है जी। ये अपने अंदर आदत डाल दो। अच्छा जी, मैं जैसे वो भाई से पूछूंगा जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, वैल्यू न्यूज क्या है? जी फर्स्ट क्लास है तो तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे? अच्छा चलो खैर, हम फिर बीच में करेंगे ये कि वेंसडे वाले दिन ना ऑफ कर लेंगे, ताकि जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं वो देख लें। कल मैं क्लास लूंगा, वेंसडे ऑफ करूंगा, ठीक है? मैं आकाश सब वेंसडे ऑफ करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग घर पर बैठ के जो पुराने बच्चे होंगे, नहीं हमने फिर ये डिसाइड किया कि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने दो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर का ही एक्सेस ले लिया, तो खैर वो जल्दी आप देख भी लोगे। जी वैल्यू न्यूज, इस्तेमाल करने से कितने पैसे मिलेंगे? इस्तेमाल करने से कितने पैसे मिलेंगे, ये मुकम्मल डेफिनेशन है? क्या बताया था? कि एसेट को इस्तेमाल करने से और एंड पे जाके उसको बेचने से जो वैल्यू मिलेगी उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू न्यूज है। ऐसा प्यारे भाई चीजें देख के नहीं आ रहे हो, कल छुट्टी थी पूरा दिन, मैं तुम लोगों को क्विज भी नहीं दिया। मैं ये सोचा कि यार आप लोग घर पे बैठ के अपनी छुट्टी एंजॉय कर लें, कुछ ना कुछ उठा के देख लो चीजें, सिर्फ रजिस्टर अपने घुमाते जाओ। ये रजिस्टर इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा कि उसके बाहर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर तो रहो यार। हाँ जी बढ़िया मिक्स है। बाकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम यूज एंड ऑब्टेन्ड एट डिस्पोजल, बिल्कुल सही, जैसी तैसी अंग्रेजी करके आपने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तुम लोग को दिया था एक सवाल, याद आ रहा है? एक सवाल दिया था मैंने, उस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे वैल्यू इन यूज निकाल के दो एक ऐसे एसेट की जिसकी लाइफ 3 साल है, ठीक है जी, उसका एनुअल इनफ्लो, एनुअल इनफ्लो का मतलब सालाना इनफ्लो, हर साल ये रिसीव होगा, कितने सालों तक? 8 सालों तक या 10 सालों तक? नहीं सर 3 सालों तक, 3 साल की लाइफ है तो 3 साल ना, 100 रुपए, ठीक है जी। एनुअल आउटफ्लो 26 रुपए, ठीक है जी। फिर डिस्पोजल वैल्यू 50 रुपए, डिस्पोजल पे कॉस्ट 4 रुपए, ठीक है जी। डिस्काउंट रेट 10%। मुझे वैल्यू न्यूज निकाल के दो। शाबाश, कैसे निकालेंगे वैल्यू न्यूज सर? सिखाया मैंने, जिसकी पहली क्लास है तामुल से बैठ जाए सारी चीजें समझ आ जाएंगी वक्त के साथ साथ, वही कराना है बेटा सीब। इसके बाद
कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्पोज करेंगे थर्ड ईयर में पे करेंगे, ठीक है। लेक्चर यार दो तो क्लासेस हुई हैं, दो हुई है, तीन हुई। पहली क्लास मत देखना, दूसरी से देखना शुरू करना। पहली क्लास में कोर्स हमने डिस्कस किया है, वो किसी भी पॉइंट पे लाइफ में देख सकते हो बात। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हो कि इस एसेट को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा कितने साल चलेगा ये? 3 साल चलेगा। कितने साल चलेगा? 3 साल चलेगा। जिसकी पहली क्लास भी हो उसको बड़ा आसानी से समझ आ जाना चाहिए, एक एसेट है जिसकी लाइफ 3 साल है। अगर ये 3 साल चलेगा, हर साल कंपनी को इनफ्लो देगा, इनफ्लो का मतलब कैश आएगा। सर क्या मतलब इनफ्लो? मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, प्लांट समझ तो, प्रोडक्शन करेंगे हम इससे गुड्स बना के बेचेंगे, जो गुड्स की सेल्स होंगी वो कितनी होंगी हर साल? 100 रुपए, 100 रुपए। और ये पैसा हमें किससे मिलेगा? कस्टमर से मिलेगा। किससे? सर ये एक प्लांट है, ठीक है जी, इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे हैं मार्केट में बेचे जा रहे हैं, इससे पैसे आ रहे हैं कितने? 100, 100 और 100। सीधी सी बात है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो हमारी जेब से पैसे जाएंगे भी, वो क्या होंगे? इनफ्लोस किससे आ रहे हैं? कस्टमर से आ रहे हैं। आउटफ्लो किसको जा रहे हैं? कस्टमर को जा रहे हैं। लानती हूँ आउटफ्लो उन बंदे को जा रहे हैं जिससे हमने मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदा, ओवरहेड्स खरीदे। ऐसा भाई, तुम अगर कोई बेकरी खोलते हो, केक बना रहे हो, कस्टमर को केक बेचोगे ना, बाकी क्या करोगे? मैदा खरीदोगे, आटा खरीदोगे, अंडे खरीदोगे, पैसे उनको दे रहे हो। कितने पैसे दे रहे हो हर साल? 2600 रुपए। आ कितने रहे? 100। जा कितने रहे? 26। ऐसा है, 3 साल के बाद क्या करेंगे हम? इस प्लांट को लपेटेंगे और बेच देंगे, उससे कितने पैसे मिलेंगे? सर 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको बेचने में थोड़े से खर्चे करने पड़ेंगे, ट्रक में डाल के उसको, मशीन को जो है वो लेके जाना पड़ेगा बाजार तक, ठीक है जी। ये सारे खर्चे होंगे क्या चीज? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट ऑन डिस्पोजल कितने का? 4 रुपए। अब बताओ इस एसेट से कितने पैसे रिसीव होंगे? 74 रुपए रिसीव होंगे। कब? पहले साल। कितने रुपए कैश में हमने कस्टमर से लिए? 100। कितने रुपए हमने अपने सप्लायर्स को दिए? 26। नेट कितने बचे? 74। यहाँ भी नेट कितने बचे? 74। लेकिन सर आखिरी साल थोड़े से ज्यादा बचे, क्योंकि हमने मशीन बेच भी दी। कितने? 120। अब मेरे बच्चों, मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं कि 1 रुपए की जो वैल्यू आज है, ठीक है जी, कल उससे वैल्यू कम होगी, परसों उससे कम होगी, उसके बाद उससे कम होगी। जितना टाइम आगे जाता जाएगा, रुपए की वैल्यू में कमी आती जाएगी। कैसे? चीजें क्या होती जा रही है? महंगी। तो 1 रुपए में अगर से आज 1 टॉफी आ रही है, तो कल 1 रुपए में आधी टॉफी आएगी। ऐसा तो उसका मतलब है पैसे की कदर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसा है कि नहीं? अब बताएं सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एट 10% कितना की? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है? कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों? डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर कितना? कहाँ चला गया भाई? कितना? 67। फिर ये डिवाइडेड बाय 2 कितना? सर डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 3 90। टोटल ऐड अप करो, 218। इसकी क्या है? 218 वैल्यू इन यूज। ये बात समझ आती है? तो वैल्यू इन यूज क्या है? कस्टमर से जो पैसा लिया वो, सप्लायर को जो पैसा दिया वो, दोनों को नेट कर दिया, क्या बच गया हमारे पास? नेट इनफ्लो। और एंड पे आगे हमने एसेट को क्या करना है? बेच देना है। बताओ इस एसेट से हमें टोटल कितना कैश मिलेगा ओवर द पीरियड? 218 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ये बात समझ आती है? बताओ इस एसेट से मैक्सिमम कितना कैश जनरेट कर सकते हो तुम? 218। ये बात समझ आती है? लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का सवाल इससे आया, ठीक है जी। सर इसमें डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आगे जाके बता रहा हूं? ऐसा बड़े हम आगे, ये किसी ने कॉपी तो नहीं करना? आगे बता रहा हूं, रीजन यही जी। बड़े आगे है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाए। अब आओ, मैंने तुम लोगों को दिया था लास्ट क्लास में एक छोटा सा सवाल, याद आ रहा है? FAR 1 में बिल्कुल होती है, थ्योरी सिर्फ MCQs में आती है।
थ्योरी जो है वो वैसे नहीं आती। देखो जैमिनर के पास समंदर जितना कोर्स है वो थ्योरी नहीं पूछता फिर, ठीक है जी। हाँ नहीं, वो मैं अपनी थ्योरी खोल दूंगा। सर जी एक रिक्वेस्ट है, क्लास के दरमियान बता देता हूँ उस्मान, बता देता हूँ क्लास के बीच में बता दूंगा, रुक जाओ ठीक है। अब आ मेरे प्यारे बच्चों, जरा सवाल को रीड करते हैं। ये आई कैप का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल ये करना पड़ेगा कि घर जाके लेक्चर 2 और 3 देखना है, 1 नहीं देखना, भले 1 छोड़ सकते हो आप, लेक्चर 2 और 3 देखना है, ठीक है जी। आज हमारा लेक्चर 4 है, तो अगर आप कहें तो मैं एक दिन कल छुट्टी कर लें या हम परसों छुट्टी कर लें, ताकि आप लोग जो है वो क्लास के साथ कनेक्ट हो जाए। हैं कल कर लें हम, चलो फिर कल हम अपनी क्लास नहीं रखते, ठीक है। मैं आकाश को भी मना कर देता हूँ, बाकी टीचर्स को भी मना कर देता हूँ, कल हम FAR 1 और पोस्टिंग ऑफ रखते हैं, ताकि आप लोग जो है वो जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है जी। हैं नहीं नहीं रखेंगे तो सब ऑफ करेंगे, ठीक है जी। वेरी गुड यार संदेश, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी हाँ, जरा इस सवाल को रीड करते हैं। देखो ये सवाल एक अटेम्प्ट में आया है, जब ये इम्पेयरमेंट का टॉपिक पहली दफा FAR 2 में टेस्ट हुआ। ये 1 का सवाल नहीं, FAR 1 का क्वेश्चन नहीं, ये FAR 2 में पहली दफा टेस्ट हुआ, तो ये सवाल आया। जो स्टैंडर्ड्स है ना आपके कोर्स के, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये बिल्कुल पॉसिबल है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कोर्स में स्टैंडर्ड्स हैं वो हार्डली 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट हुए हमारे कोर्स का पार्ट बने, ठीक है जी। इससे पहले हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे। पुराना FAR 1 का कोर्स और नए FAR 1 के कोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो इसमें एक बुराई है, बुराई क्या है कि आपके पास ICAP के पास पेपर्स ना होने के बराबर करने के, को 5 अटेम्प्ट से पहले के पास पेपर्स में 70% पास पेपर इरेलेवेंट है। 2-3 टॉपिक्स ऐसे में शुरू से चलते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो कोशिश ये करनी है कि जितने भी पास पेपर किसी एक टॉपिक पे आए हैं स्टैंडर्ड पे आए, वो तो आपने लाजमी करने, लेकिन इसके अलावा बाकी जो FAR 2 लेवल पर टेस्टिंग हुई है या फाइनल लेवल पर टेस्टिंग हुई है वो आपने सुकून से देखना है, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब डोमिनेंट फर्टिलाइजर हैज 2 प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं? 2 प्लांट्स हैं, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। सर 2 प्लांट है, क्या दोनों प्लांट्स की मिला के टेस्टिंग करनी है? नहीं सर, दोनों प्लांट्स की टेस्टिंग कैसे करनी है? अलग अलग करनी है। हर एसिड की टेस्टिंग कैसे होगी? अलग अलग होगी, ठीक है जी। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years। प्लांट ए की रिक्वायरमेंट भी, प्लांट ए की लाइफ भी 3 साल है, या 1 की रिक्वायरमेंट भी लाइफ 3 साल है, और प्लांट 2 की रिमेनिंग लाइफ भी 3 साल है। फिर द फेयर वैल्यूज, यानी सर अगर हम इसको मार्केट में बेचने जाएं कितने का बिकेगा, एंड रिटर्न डाउन वैल्यूज, रिटर्न डाउन वैल्यूज का उर्दू में मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। एट 31 December 2012 आर एज अंडर, ये WDV को उर्दू जुबान में हम क्या नाम दे रहे हैं? कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। फेयर वैल्यू का मतलब अगर हम इसको मार्केट में बेचने जाए कितने में बिकेगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल, बेचने जाए तो जेब से खर्चा कितना आएगा? तो मुझे बताओ सर 210 रुपए में बिकेगा, 7 रुपए का खर्चा आएगा, कॉस्ट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना बन रहा है? और सर इधर 146 है सर। ये दोनों क्या है सर मेरे पास? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसा। फिर नीचे आपको वो दे रहा है कि ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये कितने साल चलेंगे? 3 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे। एनुअल इनफ्लोज, प्लांट 1 से आपको कितना मिलेगा? 105। एनुअल आउटफ्लोज, प्लांट 1 से आपको कितना पे करना पड़ेगा? 105 किससे रिसीव होंगे? कस्टमर से रिसीव होंगे। 11 रुपए किसको देने? हमने अपने सप्लायर्स को देने। एंड में आके हम एसेट को क्या करेंगे? 8 रुपए में बेच देंगे, और बेचने में कितना खर्चा आएगा? आपको नहीं लगता ये एग्जैक्ट इसी तरह की एग्जाम्पल है जो आपने ऊपर देखी है? ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास दोनों एसेट्स का टोटल इंपेयरमेंट का डाटा मौजूद है, मैं सबसे पहले टेस्ट कर रहा हूँ किसको? प्लांट 1, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों प्लांट 1 के लिए मैं सबसे पहले रख रहा हूँ कैरिंग अमाउंट। बताओ एसेट की कैरिंग अमाउंट है कितनी? 220। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा सर, इस एसेट की हमारी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 220। प्यारे बच्चों इसका
रिकवरेबल अमाउंट कितना है ये हमें नहीं पता। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर इसको मैं अभी के अभी बेचूं तो कितना कितने में बिक जाएगा ये? 200। और अगर इसको मैं चलाऊं तो वैल्यू न्यूज आएगी ऐसा। वो वैल्यू न्यूज हम क्या कर रहे हैं अभी निकालने जा रहे हैं। तो सर मेरे पास लाइफ कितनी है एसेट की? 3 साल, 1, 2 और 3। मुझे बताएं मेरे पास सर इसमें इनफ्लोज कितने? एनुअल इनफ्लोज कितने? 105 और 105। सर हम अपने सप्लायर्स को क्या पैसा पे करेंगे? 11 रुपए और एंड पे आके हम एसेट को क्या करेंगे? डिस्पोजल वैल्यू कितनी है इसकी? सर डिस्पोजल वैल्यू 8 रुपए, लेकिन 2 रुपए का डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। बताओ एसेट 1 से हमें नेट कितने रुपए मिलेंगे? 90, पहले साल 94, फिर दूसरे साल 94 और तीसरे साल 100। इन सब के हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कोई रेट दिया हुआ सवाल में, इसने कहा जी 10% का रेट है, तो सर 10% से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। डिवाइडेड बाय 1.1। सर 1.1 कहां से आया? 10% इज 0.1 ऐसा, रेस टू पावर 1। डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 2 और डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 3। क्या क्या आ रहा है देखो, कितना? 95 तो नहीं हो सकता ये, 85 को छोड़ो फिर, और ये 75। टोटल कितने हो गए सर? कितना? 238 ऐसा। सर ये आ गया हमारा वैल्यू न्यूज़, 238। बताओ इस एसेट की बुक्स में वैल्यू कितनी है? सुनो, बुक्स में वैल्यू कितनी है? 200। अभी के अभी इसको बेच दें तो कितने मिलेंगे? 203। चलाएं तो कितने मिलेंगे? 238। तो क्या आप इस एसेट से अपनी कैरिंग अमाउंट आराम से रिकवर कर सकते हो? हाँ, कैसे? चला के। कैसे? चला के बेचेंगे तो 203 मिलेंगे, चलाएंगे तो 238 मिल रहे हैं। तो सर हर हाल में हम एटलीस्ट 220 रुपए तो रिकवर कर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे इस एसेट की वैल्यू गिरी नहीं है, इस एसेट को इंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस एसेट को इस्तेमाल करके इससे 220 रुपए से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम 220 रिकवर कर सकते हैं या नहीं। जवाब आया हम 220 या उससे ज्यादा रिकवर कर सकते हैं, तो हम क्या कंक्लूड कर दें? इधर हम यहाँ कंक्लूड कर दें कि जी इसकी रिकवरेबल अमाउंट 238 है और नो वैल्यू न्यूज जीरो हो जाएगी, उसकी तबाह होने से फेयर वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और तबाह होने से उसकी पूरी की पूरी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? एम्पेयर हो जाएगी, खत्म। ठीक है जी, चोरी हो जाए एम्पेयर ऐसी बात जी। पक्का जी, बड़े हमारे दोस्त कितने लोगों ने सवाल घर से खुद से देख लिया था? चलो माशाल्लाह, कुछ अच्छे बच्चे हैं क्लास में, बाकी कॉपी कर लें भाई। प्लान 2 को भी हम लेके चलते सर। देखो यार, मैं एक आसान एरिया से भी शुरू कर सकता था, मैं IAS 16 से शुरू करता जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हो, तो आपको बड़ा मजा आ रहा होता, लेकिन वो आपका टोटल टाइम वेस्ट हो रहा होता। ठीक है जी, टोटल टाइम इन द सेंस ये कि जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हो, मैं पढ़ाऊँ और फिर आपको लगे कि FAR 1 आसान है, और बाद में फिर हम जो मेन टाइम है वो इन मेन टाइम गुजारने के बाद काम के टॉपिक्स पे ध्यान दें तो फिर मसला होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल वैसे करने वाली चीज है नहीं, आसान सी चीज है। ठीक है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आप जी। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने डिवाइड बाय 1.1 रेस टू पावर 1 किया, ये आपने क्या किया है? डिस्काउंटिंग किया ना। तो ICAP का एग्जामिनर इस अटेम्प्ट में ये अज्यूम कर रहा था कि आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, तो उसने आपको क्या किया, एक वैल्यू दे दी 0.909। इसका मतलब है आप किसी चीज को 1.1 से डिवाइड करो या 0.909 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, आप करके चेक भी कर लो वैसे,
94 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो, 85 भी आ रहा है। अच्छा फिर उसने कहा दूसरी वैल्यू जो है वो स्वाब ने डिवाइड करना है 1.1 रेस टू पावर 2 से। उसने कहा अब रेस टू पावर 2 में 2 को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर किसी के पास वो वाला कैलकुलेटर जो कसाईयों के पास होता है गोश्त का हिसाब करने के लिए, तो अगर किसी के पास वो वाला कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो वो सेकंड ईयर की वैल्यू को 0.826 से मल्टीप्लाई कर ले। चेक करो उधर यही आ रही है वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज है ये कहलाते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स, ठीक है जी। रात है ना, आप प्रैक्टिकली डिस्काउंटिंग करें, आप ये फैक्टर्स उठा के क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। तो आप ये कैलकुलेशन सीख लें कि अगर एग्जामिनर वैल्यू ना भी दे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती हो। एग्जामिनर वैल्यू नहीं देता, ये एक अटेम्प्ट में दे दी वैसे वैल्यू नहीं देता, आपको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालने आनी चाहिए ना। 2013 में बंदा ये नहीं कह रहा सर आपने पढ़ाया इतना अच्छा है, मैं समझ आ गया है, इतना आसान होता था, बड़े मागे दोस्त। शुरू शुरू में जब नई नई बहू घर आती है ना, तो सास भी उससे प्यार करती है, घर वाले भी इज्जत करते हैं, ठीक है जी। थोड़े टाइम में अब यही सब्जेक्ट का हाल होने वाला है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो चीजें और टेक्निकल होती जाएंगी, ठीक है, ऐसा है कि नहीं। कितने लोगों के पेरेंट्स घर में एक्सट्रीमली डोमिनेंट है, मतलब उनकी बात ही नहीं सुनते, घर में उस बंदी की औकात ही नहीं है, एक दो और से सच्चे लोग हैं, बाकी तीन बस, बाकी घर में लोगों की कुछ ना कुछ से है, हैं? कल मैं किसी हमारे किसी खानदान में किसी बच्चे का रिश्ता हो रहा था, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया आप बात करें। मैं लड़के को कह रहा हूँ भाई ये अलाउ करना है उसको, तुमने बाद में बच्ची को जो है वो जॉब वॉब भी करनी होगी, करियर अपनी बनाएगी, मैं अब्बू से पूछूंगा। मैंने कहा पागल के बच्चे, शादी तू कर रहा है अब्बू कर रहा है? नहीं, वो अब्बू डिसीजन लेते ना। मैंने कहा बेटा फिर तुम बड़े हो जाओ फिर शादी कर, तुम्हारी उम्र नहीं है फिर। नहीं वो देखें, हम तो अब्बा को मशवरा दे सकते हैं ना, बाकी फैसले तो अब्बा करेंगे। तो ऐसा कोई पीस क्लास में अगर है तो जिंदगी भर थल्ले लगा रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसे लोगों की बेगमात फिर बड़ा सफर करती है। हाँ नहीं, अम्मी ने जो बोल दिया। चलो जी यार देखो, हम एक सीक्वेंस से चलेंगे, हम सारे एसेट्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड शुरू में पढ़ेंगे। बच्चे को जवाब दे रहा हूँ, जो एसेट्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड हैं वो सारे शुरू में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी इंपेयरमेंट देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इफ कि आपको एसेट जो है वो गवर्नमेंट ने इनाम में दिया हो, ग्रांट दी हो आप, जैसे आपने एक कोविड की वैक्सीन बनाई तो एक प्लांट लेकर आ गए आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बड़ा नेक काम आपने किया कोविड की वैक्सीन के लिए, आप एक प्लांट लेके आओ, चलो आधे पैसे मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट आपको अगर पैसे प्रोवाइड करे एसेट में तो क्या करना है, ठीक है जी। फिर हम आगे जाके देखेंगे व्हाट इफ कि हमने एसेट खरीदने के लिए बनाने के लिए कर्जा लिया हो, उस पर सूद आ रहा हो, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो सारे शुरू में जो स्टैंडर्ड्स में पढ़ाऊंगा वो सारे सेंट्रिक होंगे किसके ऊपर, एसेट के ऊपर, प्लांट व्हीकल इस तरह की चीजों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी की चीजों में आएंगे, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास प्लांट टू में भी कितने साल है सर, प्लांट टू की कैरिंग अमाउंट कितनी है सर, एक सौ साठ, ये कहाँ लिखा हुआ है सर, सर ये रहा सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 146 है, ऐसा मैं यहां रख रहा हूं जनाब भाई, एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी ऐसी रखनी है, ठीक है जी। रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट में सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कितनी है भैया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1, और अब हमें क्या चाहिए वैल्यू इन यूज, अगर मैं निकालने जाऊं तो वैल्यू इन यूज निकालने जाएं तो सर हमारे पास कितने साल हैं, तीन, एक दो और तीन। मुझे बताएं सर मेरे पास इनफ्लोज कितने हैं, इसके इनफ्लोज कितने, 65, 55, फिर
हर साल 55 ही है सर, चेंज नहीं है कुछ। आउटफ्लोज पांच, फिर सर डिस्पोजल वैल्यू तीन, नेट बता रहे हो, डिस्पोजल कॉस्ट कितनी एक, क्या रहा है दोस्त 50 और 52। सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% कितना, डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3 कितना 45, फिर मिला जुला के 126 सही है ना यार। अब बताओ सर मेरे पास इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है। सर चलाने से कितने मिल रहे हैं, चलाने से कितने मिल रहे हैं 126, 126, बेचने से कितने मिल रहे हैं, लेकिन चलाओ या बेच दो कुछ भी कर दो 160 रुपए रिकवर। सर कितने रुपए का लॉस है, 14 रुपए का हमारा कौन सा लॉस है पक्का जी, हम एक स्टेप आगे बढ़े, ये किसी ने कॉपी तो नहीं करना। नहीं उमेर गलत चीजों को कंपेयर करो, 20 का लॉस कैसे आ गया। वो गलती है ना, जबकि डिफरेंस लेना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। चलो जी तैयार हो, बड़े हम आगे आज की क्लास हम शुरू करें। ये मैंने आपको पिछली क्लास का एक सवाल करवाया, ऐसा हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं सर, और आज की पहली आज की क्लास का हम पहला सबक ले रहे हैं सर। जी बेटा मैंने अभी बताया ना कि डिस्काउंट फैक्टर को चाहो आप 94 से मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यूज आएंगी जो आपने डिस्काउंट करके निकाली। यानी एग्जामिनर ने उसमें ये अज्यूम किया था कि अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर लेके नहीं आया, वो वाला साइंटिफिक वाला जिसमें पावर लगती हो, तो उसने वैल्यूज आसान कर दी। ठीक है जी, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख लो, अगर डिस्काउंट फैक्टर ना भी दे तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। पक्का बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी देखो बेटा, इस पूरे स्टैंडर्ड का सबसे टेक्निकल और सबसे मुश्किल एरिया अब आ रहा है। ठीक है जी, और अल्लाह के वास्ते आपने उसको ध्यान से तसल्ली से समझना है भाई। जिसकी पहली क्लास है, जिसकी आखिरी क्लास है, ये टॉपिक सबके लिए नया है। ठीक है जी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सुनो, हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वैल्यू इन यूज का क्या मतलब होता है। आपसे कहा जा रहा है कि यार ये जो एसेट आपके पास मौजूद है, जो गाड़ी आपके पास मौजूद है, जो प्लांट आपके पास मौजूद है, जो मशीन आपके पास मौजूद है, बताओ इसको तुम चलाकर इस्तेमाल करके कितना कैश, क्या चीज कितना कैश जनरेट कर सकते हो। हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, वैल्यू न्यूज। वैल्यू न्यूज क्या है जनाब, एक पर्टिकुलर एसेट को इस्तेमाल करके कितना कैश हम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा है। ये बात समझ आती है। तो सर मिसाल के तौर पर सर हमारी अम्मा की एक सिलाई मशीन है। ठीक है जी, हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू न्यूज निकालने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी अम्मा की जो है वो सिलाई मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे, पहले जमाने में होती थी ना। पता नहीं ऐसी कुछ होता था, अल्लाह माफ करे बाद में कुछ और ही ना बन जाए। मशीन रख लो, समझ जाएगा तू। चलो जी सिलाई मशीन, एक जमाने में एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी, सुल्तान राय उसमें हीरो हुआ करता। सुल्तान राय को देखा, वो जब हीरो था ना उस जमाने में भी, करंट हीरो का दादा उससे शायद ज्यादा जवान, इतना पुराना आदमी लगता था। खैर उस जमाने के हीरो ऐसे होते थे। तो माँ जो है वो सिलाई मशीन से सिलाई कर करके, कढ़ाई कर करके उसको दुबई भेज देती है।
सुल्तान राय की एक बहन होती है, माँ और बहन घर में बैठे हैं, बेटे का जहाज जाए दुबई लैंड कर गया, उसने वहां काम वाम शुरू कर दिया। इसके घर आ गए डाकू, उन्होंने बहन के दुपट्टे को हाथ लगाया और सुल्तान राय का मुक्का आया। तो परेशान, भाई ये क्या हुआ? कहता है बहन के दुपट्टे को हाथ लगाया तो भाई तो पाताल से आ जाते हैं, ये तो दुबई था। तो कोई लेवल के छोड़ू, ये तो पाकिस्तानी आप अभी देख रहे हो, तो इंडिया वाले अभी आप देख रहे हो ना, वो ऐसे छोड़ू होते थे कि एक फिल्म, एक पश्तो फिल्म थी, अब आप पश्तो क्यों देख रहे हो, मैं पठान हूँ, ठीक है जी। वो घोड़े पे जा रहा है बदर मुनीर, और एक पहाड़ यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर है, और दरमियान में जो है वो समंदर है। यहाँ भागते हुए आया वो घोड़े पे, और पीछे जो है वो पुलिस वाले आ रहे हैं, उनके पास गन है, वो फायर कर रहे हैं, यहाँ बच रहा है वहां बच रहा है। अब वो सोच रहा है कि मैं छलांग लगाऊं तो मैं डूब जाऊंगा। वो यहां से रस्सी फेंकता है दूसरे पहाड़ पर, अटक जाती है। अब वहां जा रहा होता है तो घोड़े को देखता है, घोड़ा रोने लग गया। अब एक हाथ से घोड़े को पकड़ता है, एक हाथ से रस्सी पकड़ता है, और वहां पहुंच जाता है। और ये वाकई मैं आपको बताऊं, पब्लिक तालियां बजा रही है, वो खुश हो रही है, ठीक है जी। तो हैं, और पहुंच भी जाता है उस तरफ। तो सर एक सिलाई में, हाँ फिजिक्स की जो है ना वो सही आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है जी। वो कह रहे हैं फिजिक्स के सारे रिश्तेदार एक हो गए। अच्छा जी सर, सिलाई मशीन है सर हमारे पास, हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू न्यूज, गौर से सुनना। वैल्यू न्यूज इस तरह निकाल रहे हैं कि सिलाई की मशीन ना हमने जब खरीदी थी किसी जमाने में, अम्मा ने हजार रुपए की जो खरीदी थी ना, ये उधार लिए थे। क्या लिए थे? उधार लिए थे। उधार पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। हर साल हमारी अम्मा जो है वो 100 रुपए का सूद पे करते हैं। कितने का? 100 रुपए का, या एक सर्टन अमाउंट सूद पे करते हैं। इस मशीन की रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। इस मशीन से क्या बनाएंगे हम? कपड़े सियेंगे सर। तो सर हमने कपड़े सीना शुरू कर दिए, बच्चों के जो है वो शर्ट्स और चड्डियां वड्डियां सीनी शुरू कर दी, उसको हमने बेचना शुरू किया, तो क्या मिला हमें? इनफ्लोज मिले। इनफ्लोज आए सर, पहले हमारा एक्सपेक्टेशन है कि पहले साल 600 रुपए की सेल होगी, फिर 800 रुपए की सेल होगी, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सर 500 रुपए की सेल होगी, चड्डियां वड्डियां नहीं बिकेंगी। फिर सर ये सारा सामान सीने में हमारी जेब से खर्चा भी होगा। क्या खर्चा होगा? कपड़ा लेंगे सर, धागा लेंगे, ये सारा खर्चा होगा, ये सारा खर्चा होगा सर, 200 रुपए का पहले साल, ठीक है जी। फिर सर अज्यूम करते हैं 250 रुपए का दूसरे साल, और सर 170 रुपए का तीसरे साल, डन। अच्छा जी, अब यही दो कैश फ्लोज हैं, सूद भी तो है, सूद है या नहीं है? सूद भी तो पे कर रही है ना अम्मा, 600 रुपए कस्टमर से कमा रहे हैं, 200 रुपए का सिलाई कढ़ाई के जो है वो खर्चे पे जा रहे हैं, 100 रुपए का सूद भी तो पे करना है या नहीं? ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब इसको यही रखो, और मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और दोस्तों ये एक बैंक है, ये मैं हूं सर, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं बैंक में ये रखने जा रहा हूं, रखवाने जा रहा हूं बैंक में, बैंक मुझे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा, ऐसा है? और इंटरेस्ट बैंक क्यों पे करता है आपको? क्योंकि नहीं, क्योंकि आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को कहते हो जो पैसा मैं तुम्हारे पास रखवा रहा हूं, कुछ टाइम बाद जब मैं ये निकालूंगा तो पैसे की वो वैल्यू नहीं होगी जो कि आज है, ऐसा है? तो मुझे तुम इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या पे करो? तो इंटरेस्ट असल में किस चीज की कॉम्पनसेशन है? इंटरेस्ट किस चीज की कॉम्पनसेशन है? इन्फ्लेशन की। किसकी? इन्फ्लेशन की, ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर कोई बंदा बैंक में पैसे रखता है, इफेक्टिवली बैंक का इंटरेस्ट किस चीज को बीट करता है? आपने बैंक में आज पैसे रखे, 10 साल बाद पैसे निकाले, दुगने हो गए थे, आप यकीन करें आपने कुछ नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि 10 साल में जो चीज मैं खरीद रहा था उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है? डबल हो गई है। तो याद रखना सर, लॉन्ग टर्म में बैंक का इंटरेस्ट जनरली इन्फ्लेशन को ही बीट करता है, कोई एक्सेसिव रिटर्न आमतौर पर लोग नहीं कमाते। ये बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ सर, गौर से सुनना, अगर मैं काम करूं, मैं यहां पर इंटरेस्ट लेस कर दूं, कितने? 100, 100 और 100, क्या बचेगा सर मेरे पास? क्या बचेगा मेरे पास? 300 और 300, ये 250 है, कितना जी? 450, 400, फिर 200,
अब बताओ मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, अज्यूम करो 10% पे, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 300 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% पे, कितना 270, ये 450 की प्रेजेंट वैल्यू 272 है, 2 बेटा देखो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, अभी क्यूटी का पेपर दे करा रहे हो मनुष्यों, अभी 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 कितना ये 371, फिर ये 173 ऐसा है। अच्छा बोर्ड पे देखना, अच्छे तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना, अदरवाइज रट्टा भी लगा सकते हो इसका, लेकिन फिर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अब एक बात बताओ, आपने गौर से सुनना, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो लिखना, छोड़ दो लिखना, आपने 300 रुपए के कैश फ्लो को रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, नहीं लिखो, नहीं लिखो बेटा, जो तो काम कर रहा उसको लिखना कहते हैं, नहीं लिखो। हाँ जी सर, आपने 300 रुपए के कैश फ्लो को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, क्यों? आपने कहा इन्फ्लेशन, ओ भाई आपने 450 रुपए के कैश फ्लो को रिड्यूस कर दिया, आपने कहा इन्फ्लेशन की वजह से जो 450 दो साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू कितनी है, आपने 230 रुपए के कैश फ्लो को रिड्यूस करके छोटा कर दिया, आपने कहा भी 230 तीन साल बाद मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जनाब, 100। आपको नहीं लगता आपने इन्फ्लेशन दो दफा काउंट कर दिया, ऐसा आपने इंटरेस्ट माइनस किया, किस चक्कर में, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, कहा भाई हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपने नीचे डिस्काउंटिंग भी कर दी, तो या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लो या क्या करो, डिस्काउंट करने से कैश फ्लो बढ़ते हैं या कम होते हैं, कम होते हैं, ऐसा। अब आप बताओ, या तो ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे कैश फ्लोज माइनस कर दो, ठीक है जी, वो कहो जी भाई मैंने सूद पे किया या मैंने इन्फ्लेशन के लिए जो है वो कॉम्पनसेशन पे की, या दूसरा काम क्या कर सकते हो आप डिस्काउंटिंग कर दो। तो सर स्टैंडर्ड ने कहा आप कभी भी इंटरेस्ट के कैश फ्लोज माइनस नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंटिंग करने से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कैश फ्लोज में आ जाता है। तो आइंदा के बाद अगर एग्जाम में वो हमें कहेगा कि जी इंटरेस्ट माइनस करो, हम वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट माइनस, अब बताओ सर इसका सही तरीका क्या था, इसका सही तरीका ये था कि हम इस 100 रुपए को इग्नोर करते और क्या करते हम सर प्रेजेंट वैल्यू इन कैश फ्लोज की निकाल, किधर गया, एक छोटा सा एमसीक्यू आता है वो पूछता है जी इंटरेस्ट के कैश फ्लोज माइनस क्यों नहीं किए, आप जवाब दे रहे हो इंटरेस्ट के कैश फ्लोज क्यों माइनस नहीं किए, बराबर वाले से पूछा इसलिए माइनस नहीं करने क्योंकि आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। जी यार देखो हम सेफ्टी और आसानी के लिए जो ना एक ही कैश फ्लो लेते हैं, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं होती कि हम इंटरेस्ट रेट को बैठ के 200 में डिवाइड करें कि इन्फ्लेशन कितना है इसमें और रिस्क के लिए कितना पैसा मिल रहा है, हम इंटरेस्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि नेमुल बदल है किसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है जी। प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड ने इजाजत दिया कि आप इतनी डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, आप क्या करें इसकी डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन रेट मिले इन्फ्लेशन रेट से कर दो, इंटरेस्ट रेट मिले इंटरेस्ट रेट से कर दो। जी क्यों ये नजर नहीं आ रहा, वाकई स्लाइड से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें और क्या ऐसी चीज है जो तू देखना चाह रहा है, गिनती तो साफ नजर आ रही है। अब बताएं जी देखो मुझे एक बात बताओ, ये सारी की सारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, वैल्यू न्यूज निकालने के लिए एक सिंगल वैल्यू भी एक्चुअल नहीं होती, ये कौन सी कैश लोड है, फ्यूचर के कैश लोड, एक्सपेक्टेड कैश लोड, तो हमारा अंदाजा होता है, ठीक है जी। सबसे बड़ा मसला ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 90% फिगर्स किससे आ रही होती, अंदाजे से, बैड डेट्स क्या है अंदाजा, डेप्रिसिएशन क्या है अंदाजा, इंपेयरमेंट क्या है अंदाजा, ठीक है जी। ये हमारी मजबूरी है कि हमने रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक्सपेंसेस को किस बेस पे बुक करना है, अंदाजे की बेस, ठीक है जी, चलता है इतना, कोई मसले वाली बात नहीं। जी अब बताएं जी, पीएसए से मैच रखवा दें, कौन सा मैच, बैठे बैठा किसको याद आ गया, लास्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बीट किया था हमने, हम सेमी फाइनल में आ रहे थे हम शायद, फर्स्ट
फाइनल में एक अच्छी फॉर्म से हार गए थे। अभी उकासा का टूर्नामेंट हो रहा है ना, पट्टी का मैच है। ओ भाई यहाँ देख ले यार, ना माफ करे यार, सारी चीजें छोड़ के इस बच्चे को पट्टी का मैच याद आ रहा है। वैसे आपस की बात है, पट्टी है भी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ जी, आज जमाना बहुत चेंज हो गया। हम तो जब वीडियो गेम खेलने जाते थे तो कुत्तों की तरह मार खाते थे। अब हमने अपने बच्चों को खुद गेम लेके दे दिए, खेलो बेटा, बाहर नहीं निकलो घर से, ठीक है ना। हम तो वीडियो गेम में जाते थे और सामने मस्जिद होती थी हमारी जहाँ हम कुरान पढ़ते थे, तो वहाँ के कारी साहब ताड़ में रहते थे कि बस मस्जिद का लड़का नजर आ जाए कहीं, ठीक है जी। और फिर आके वो कुट मारते थे, ठीक है जी। हमारे उस्ताद थे सरायकी उस्ताद, ये सरायकी और पठान दो ऐसी कौम है जो मतलब दीन के मामले में काफी पक्के हैं, आगे हैं काफी। और पता नहीं उनको मारने में क्यों मजा आता है, बच्चों को मुक्के लाते मारना है, उनको सुकून मिलता था, ठीक है जी। मैं अगर अपने कारी साहब की सदा आपको बता दूं ना, आप अभी टांगे बंद करके बैठ जाओ, ठीक है जी, खौफ के मारे। हमारे कारी साहब एक बच्चे को सदा देते थे तो उसका एक हाथ और एक पांव एक बंदा पकड़ता था और एक हाथ और एक पांव दूसरा बंदा पकड़ता था और यूं पिलर में मारते थे उसे, ठीक है जी। और उनको मजा आ रहा था, तो खड़े होकर देख रहे होते थे। तो बाद में मुझे पता चला कि वैसी तबीयत बहुत सारी जगहों पर लोगों की होती है, मजा आता है ऐसी वैसी चीजें देखने में। बहुत बहुत कुत्तों वाली मार खाई हमने जी। फिर ये कितना आ रहा है आप बताओ सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर, डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 3 कितना, 363। और फिर 454, ये भी कुछ आ ही रहा होगा 240। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यूज बढ़ गई, अब बताओ पहली चीज आपने सीखी जो वैल्यू न्यूज में इग्नोर करनी है कौन सी, इंटरेस्ट। अब देखो मैं आपको एक लिस्ट बता देता बेटा, ये कैश फ्लो इग्नोर करने काम आपका तब भी हो जाता, लेकिन मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया स्टैंडर्ड ने रीजनिंग क्या दी उसकी। इंटरेस्ट इसलिए इग्नोर करते हैं कि सर ऑलरेडी हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी माइनस करोगे डिस्काउंटिंग भी करोगे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितनी जगह आ जाएगा, दो जगह आ जाएगा। तो हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक जगह रखने के लिए क्या करना है, सिर्फ डिस्काउंटिंग करनी है, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। अभी आपको एग्जाम में कुछ भी कह दे इंटरेस्ट माइनस करना है, ये कर दिया हमने वो कर दिया, आप कहो मैं इसको नहीं मानता, इग्नोर करना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट को इग्नोर करने के नंबर है, आमतौर पर चीजों को परफॉर्म करने के नंबर है, लेकिन वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में चीजों को अगर आपने इंटरेस्ट का कैश फ्लो डाल दिया तो वो आपके नंबर काट देगा। आप ये नहीं सोचना कि अगर डाल दिया तो यार क्या हो गया, वो उसको नहीं समझ आएगा तो इग्नोर करेगा, नहीं। वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में हर रेलेवेंट कैश फ्लो के 0.5 मार्क्स होते हैं, तो कुछ के छोड़ने के मार्क्स हैं और कुछ को इनकॉर्पोरेट करने के मार्क्स है। पक्का कर लोगे तो सर अपने पास एक हेडिंग आपने डालनी है इस नोट, उसको नोट करने से पहले, वो क्या जनाब, एक्सक्लूजन्स इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन, ठीक है जी। क्या चीज, एक्सक्लूजन्स इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। जी मेरा बच्चा, एड बैक करो बिल्कुल जी, हाँ फिर डिस्काउंट करो। भाई वैल्यू न्यूज किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है, कैश फ्लो की, किसकी, और डेप्रिसिएशन है, कैश फ्लो नहीं है बेटा। ये एक बच्चे को जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं। आइए 16, FAR 1 में ओपन बुक पॉलिसी है जी बिल्कुल, लेकिन जो बुक ओपन करने के लिए है वो वाली किताब ही नहीं है जिससे आप चीजें पढ़ते हो। ओपन बुक का मतलब है आप स्टैंडर्ड लेके जा सकते हो, आई गैप की किताब नहीं, ठीक है जी।
थैंक यू वेरी मच जी उमर। इतना टाइम है, किताब खोलने का टाइम होता नहीं है, बोल लो। बिल्कुल सही कह रहे हो, आज तक ओपन बुक में बहुत कम लोगों ने किताबें खोली है, जो किताबें खोलता वो पहले फेल होता। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मना कर रहा हूं, नहीं लेना। अपने अब्बा के पैसे जाया मत करना, अभी FAR 2 में जाके ले लेना। FAR 1 की बुक बताइए कोई। मेरी किताब आपको टुकड़ों में मिलेगी, मैंने आपको कहा मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको किताब दूंगा, ठीक है ना। एक तो पूरी किताब आपको Day 1 पे दे दूंगा, वो प्रैक्टिस सेट होगी, ठीक है जी। मेरे क्लास के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसकी अलग किताब होगी, वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक किताब आपको मिलेगी जिसमें आकाश का भी एरिया है, मेरा भी एरिया है, वो आप फिजिकली लेना चाहो तो ले लो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरा iPad है और मैं रोज रोज सुबह उठ के आपकी पूरी क्लास की प्लानिंग करता हूँ कि मैंने आपको क्या करवाना है, रोज नए सवाल बना रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि 2 अटेम्प्ट से जिस तरह एग्जामिनर ने इस पेपर को पूछना शुरू किया ना, मैं अपने अगर पुराने सवाल लेके आपको दोबारा कराऊं ना और रिसर्च नहीं करूं, तो फिर मैं कहीं नहीं खड़ा हूं, फिर मैं समझता हूं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। मैं पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ाता था, नॉन स्टैंडर्ड एरिया आकाश कराता था, इससे कैश फ्लो हो जाए, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। इस दफा मैं पूरा कोर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज लेके चल सके, ठीक है जी। क्योंकि मसला ये होता है कि एक स्टैंडर्ड मैं पढ़ाता हूँ, उससे रेलेवेंट चीज को नॉन स्टैंडर्ड एरिया में आ जाती है, वहां बच्चा फिर एक टीचर से पढ़ रहा है दूसरी, तो वहां मसला होता है। इसलिए मैं पूरा कोर्स लेके चल रहा हूँ, और मैं ऐसे लेके चलूंगा जैसे तुम CA फाइनल के स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो मेरी आपसे एक इल्तजा ये है कि जिसने आसान आसान और नन्ही मुन्नी चीजें पढ़नी है, बहुत बार टीचर्स बैठे हुए हैं, आप सबसे पढ़ सकते हो, वो आपको सिर्फ पास पेपर्स तक कवर करा दें, ठीक है जी। मेरा थोड़ा मसला है यार, मैं इसको जब तक उस लेवल तक नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास कॉस्टिंग में होता है 1500 बच्चा, 1300 बच्चा, FAR 1 में लास्ट टाइम हमारे पास 900 बच्चे थे, ठीक है। मैं चाहता हूं ये गैप ना कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं खुद पढ़ाना शुरू किया मैंने। और मैं समझता हूं कि इस सब्जेक्ट को जब तक आप C5 के लेवल पे नहीं पढ़ाओ ना, बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं होगा पेपर देने का। पूरा कोर्स मुझसे पढ़ना है तो क्या करें, पढ़ते रहे, दोनों टीचर से पढ़ना, एक से पढ़ना। क्लासेस इसी टाइम पे हुआ करेंगे, आपकी मर्जी, आपने दोनों क्लासेस साथ लेनी है, साथ में एक टीचर से पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ना है, ऑल अप टू यू, ठीक है जी। आपके लिए हमने आसानी पैदा कर दी है, क्लास पे क्लास क्लैश नहीं मारा हमने, ठीक है, अलग अलग रख दिया जी। बड़े हम आगे दोस्त, अब आ रहा दोस्त, एक चीज हमने एक्सक्लूड कर दी, क्या चीज, इंटरेस्ट, वेरी गुड सर। अब आ रहा दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना सर, प्लीज सुनो। यह है सर हमारा प्यारा कराची, इस शहर ने हम सबको रिस्क दिया है, हम सबको पहचान दिया है, हमने इस शहर को कुछ नहीं दिया, खैर हमने तो दिया है, आपका टाइम आएगा आपने जरूर देना, ठीक है। अच्छा जी सर, ये हमारा प्यारा शहर पेशावर है, गौर से सुनना मेरे बच्चों। सर मेरी दोनों शहरों में ना फैक्ट्रीज है, दोनों शहरों में मेरी फैक्ट्रीज है, गौर सुनना। मैंने एक प्लांट लिया, मशीनरी यहां भी लगा दी, उसी तरह का प्लांट लेके मैंने पिशावर में भी लगा दी, दोनों एक जैसे प्लांट है, ठीक है जी। दोनों की लाइफ सेम, दोनों का कैश फ्लोज सेम, क्या मतलब, दोनों की सेल्स बराबर, दोनों का आउटफ्लो बराबर, सब बराबर, एक जैसे एसेट्स, एक जैसे कैश फ्लोज, एक जैसे कस्टमर्स, ऐसा दोनों की वैल्यू नहीं, सेम होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू न्यू सेम होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो पेशावर में कोई और करेंसी चल रही है तो पैसे तो वही आ रहे ना, डिफरेंट जगह होने से मुझे 10 रुपए यहां दे दो, 10 रुपए पेशावर में दे दो, बात एक ही है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, जितना सेल्स आ रहा है, जितना कैश आ रहा है, सब बराबर, जितने यूनिट इस मशीन से बिकते हैं उतने यूनिट इस मशीन से भी बिकते हैं, जितना खर्चा इस मशीन पे आता है उतना ही खर्चा इस मशीन पे आता है, सर जितना कैश ये जनरेट करती है
उतना कैश ये जनरेट करती है, दोनों की लाइफ भी बराबर, कैश फ्लोज भी बराबर, क्या दोनों की वैल्यू न्यूज में फर्क हो सकता है? दोनों का रेट भी सेम है, चलो अब दोनों का डिस्काउंट रेट भी सेम, अब तो और क्या रह गया मनुष्य, मान ही नहीं रहे हो भाई, दोनों का वैल्यू नहीं सेम होगा ना, नहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर है। अब सुनो 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 सुनो, मैं बता दूं एक जगह फर्क आ गया सर। कराची में ना टैक्स रेट है 30%, जो इनकम कमाओगे उस पर क्या देना पड़ेगा? अच्छा मैं एक छोटी सवाल पूछता हूँ सर आपसे, मैंने एक चीज 20 रुपए की खरीदी, 30 रुपए में बेच दी, कितनी इनकम कमाई? 10 रुपए। एक चीज 20 की खरीदी और 30 की बेच दी, कितनी इनकम कमाई? 10 रुपए। मुझे टैक्स देना पड़ेगा कितने का? पिशावर में वो कह रहा है बस तुम आ जाओ यहाँ पे, टैक्स कुछ नहीं है, बस तुम आ जाओ खाली बस, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, टैक्स इसलिए नहीं है कि सर जो पसमानदा इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, उसमें फैक्ट्रियां लगाने के ऊपर गवर्नमेंट क्या देती है? इंसेंटिव देती है कि टैक्स फ्री हॉलीडे, ठीक है जी, 3 साल टैक्स माफ, ठीक है जी। चाइना में आप कोई नई फैक्ट्री खोलने जाओ ना, चाइना आपको 3 साल बिजली का बिल नहीं भेजेगा, वो कहेगा आओ भाई हमारे लोगों को मजदूरी दो, नौकरियां दो हमारे लोगों को। पाकिस्तान में जब आप फैक्ट्री खोलते हो ना, खासतौर पर कराची में, तो पहले एक पार्टी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर आप क्या करोगे? मजबूर है, बंद कर दो। खैर, कराची में टैक्स रेट कितना है? पिशावर में टैक्स रेट कितना है? अब एक बात बताओ, अगर मैं वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में टैक्स को इंक्लूड करूं, टैक्स को माइनस करूं, तो कराची के कैश फ्लोज कम हो जाएंगे, कराची के कैश फ्लोज कम हो जाएंगे, और पिशावर के कैश फ्लोज, क्यों? रीजन, क्योंकि पिशावर में टैक्स नहीं है, जेब से जा नहीं रहे, और कराची में टैक्स का अमाउंट जेब से। अब बताओ सर, वैल्यू इन यूज कराची वाले एसेट की कम हो जाएगी है, क्यों? टैक्स पे करोगे नशियों तो पैसा कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, पिशावर में टैक्स पे तो कैश लो ज्यादा होगा, ऐसा तो वैल्यू न्यूज भी ज्यादा आएगी। ऐसा है या नहीं? वैल्यू न्यूज किससे आती है? कैश लोस की प्रेजेंट वैल्यू से आती है, सो बोलो किससे आती है? वेरी गुड सर, 2 मिनट जवाब दे, 2 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन एसेट्स की वैल्यू न्यूज में डिफरेंस आएगा? आएगा। अब बताओ, इन एसेट्स की वैल्यू न्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या उसका रीजन एसेट है या इलाका है? इलाका है सर। स्टैंडर्ड ने कहा यार फिर इसमें आएगा प्रॉब्लम, कि एक ये एसेट की वजह से नहीं है, एसेट की नेग्लिजेंस नहीं है, तो स्टैंडर्ड ने आसानी के लिए क्या किया कि आप एक काम करें, आप टैक्स के कैश लॉस को इग्नोर कर दिया करें। अच्छा एक चीज सुन लो, कान खोल, ये जो मैंने तुम्हें रीजन दिया है ना, ये आसान रीजन, असल रीजन जो टैक्स एक्सक्लूड करने का है ना, वो तुम आके समझोगे सीए फाइनल में, जब तुम डेफर टैक्स का स्टैंडर्ड पढ़ लोगे, वो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है जी। जो मेन रीजन है ना इसका टैक्स खत्म करने का, वो 2 रीजन, एक तो ये ज्यूरिस्डिक्शनल इफेक्ट्स, और दूसरा रीजन है आगे जो हम कब पढ़ेंगे, फाइनल में। अब आप बताओ, आपने क्या 2 चीजें वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में इग्नोर करनी? इंटरेस्ट और टैक्स। ये दोनों कैश फ्लोज अगर आपको दिए भी हो, आपने नहीं लेनी। दोनों कैश फ्लोज अगर आप दोनों दिए हो आपको, आपने क्या करना है? इसको सिंपली इग्नोर करना। अब पूछो सवाल सेट है जी। अब बताएं सर, तो वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में 2 चीजें हटानी है, कौन कौन सी? इंटरेस्ट और टैक्स। पक्का? ये कॉपी करना सर, शाबाश। सर कितनी एक्सक्लूजन हैं? 6। कितनी? 6 एक्सक्लूजन हैं। हमने कितनी कवर कर ली? 2। बातों कहता है इनकम कमाते हो, एफबीआर कहता है इस पर टैक्स बाद में देना। आप कहते हो मैंने अकाउंट्स बंद करने, भाई टैक्स ले लो, वो कहता नहीं बाद में आओ। क्यों? आप इनकम बुक करते हो अक्रूअल बेसिस पे, रिसीव करते हो कैश बेसिस पे, टैक्स जो है वो कैश बेसिस पे कटता है। आपके अकाउंट्स बनते हैं किसकी बेसिस पे? वहां आता है प्रॉब्लम। एक इनकम चली जाती है पीएल में, उससे रिलेटेड टैक्स कहाँ जा रहा होता है आगे के सालों? तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है जो क्या कहलाता है? डेफर टैक्स। आगे जाके पढ़ेंगे जी। हाँ बाबू, कितनी चीजें इग्नोर कर ली? 2। अब अगर सवाल में ऐसे सामने इंटरेस्ट आ रहा हो और आपको एक सुलेमानी चीज काट रही हो कि इसको इंक्लूड करो, तो आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। ऐसा ही इसी तरह आपको क्या नजर आ रहा हो? टैक्स नजर आ रहा हो, तो आपने उसको भी क्या करना है?
हो जाता, ऐसा पक्का जी। तू इतने कंफ्यूज हो भाई, टेंशन में, टोपी वाले भाई हाँ फुल टेंशन में, पक्का सर अगर दोनों की ले लें तो। अच्छा क्लास की बात करो, दो क्लासेज होंगी हाँ बिल्कुल सही उमर, बिल्कुल आप दोनों की क्लासेस ले सकते हैं। टैक्स वाला रिपीट कर दें भाई, टैक्स हर इलाके का अलग होता है, तो एक ही जैसे एसेट्स पे वैल्यू न्यूज में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा चूंकि टैक्स हर इलाके का अलग है तो आप एक काम करें टैक्स को इग्नोर कर दिया करें, ताकि एसेट जहां भी इस्तेमाल हो वैल्यू न्यूज उसके इस्तेमाल से अफेक्ट हो रहा के इलाके के टैक्स रेट से, ठीक है जी। फिर तो वैल्यू न्यूज इनएक्यूरेट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा बाजी, आगे हमने बहुत सारी चीजें देखनी है, बिल्कुल इनएक्यूरेट नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने एसेट का कमाल, वैल्यू न्यूज का क्या मतलब है, उस एसेट का अपना क्या कमाल, ठीक है जी। बढ़ जाए सर, अगर पूरा कोर्स आपसे पढ़ लें तो इससे सिलेबस लेट हो जाएगा, सिलेबस आज ही खत्म कर दें, मेरे पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं वो डाल दूं, खत्म आज से। अब तो मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी तो किसी का भी कोर्स डिले नहीं हो सकता, क्यों, जिसका कोर्स डिले हो रहा होगा वो क्या करेगा, वो डाल देगा रिकॉर्डेड। लेकिन भाई नहीं, मैंने पूरा हिसाब किया हुआ है, हमें तकरीबन जो है वो हर रोज अगर हमें 1.5 घंटे की क्लास मिलती है, इसको मैं बढ़ा के 1 घंटा 40 1 घंटा 45 मिनट पे ले आऊंगा, मतलब इफेक्टिव 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट रोज के मिले और आपके वीक के 6 दिन हो तो 600 मिनट हो जाते हैं, ठीक है जी। 2400 मिनट आपको महीने के मिल रहे हैं और तकरीबन आपके जो है वो 9600 मिनट्स आपके 4 महीनों के बन रहे हैं, ठीक है जी। तो 7500 मिनट्स में पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है, हमें अगर 9600 मिनट्स मिल जाते हैं तो हम इससे अच्छा काम करें, ठीक है जी, टेंशन नहीं लो। और बाकी तो मैंने वो एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में इंक्लूड ही नहीं किए, नहीं हम नहीं रखते एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्लास की तो अब जरूरत नहीं है ना, जब एक्स्ट्रा लेनी हो आप क्या करें, रिकॉर्डेड देंगे, लेकिन मैं नहीं दूंगा, ठीक है, पूरा कोर्स आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा, ठीक, अनलेस के मैं बीमार पड़ गया, मर वर गया, अल्लाह ना करे। आई कैप के इलेक्शन 4 साल में एक दफा होता है। चलो जी, तो मैं बैठे बैठे क्या है? अच्छा जी, तीसरी चीज सर सुने, दोस्त गौर से एक चीज सुनना, गौर से एक चीज सुनना, सारी चीजें बोर्ड पे देखना, हमने अभी 2 सवाल इकट्ठे करने। एक बात बताओ, एक एसेट है जिसकी लाइफ है 3 साल, छोड़ दो सारी चीजें, आपके पास आपका अकाउंटेंट आया, उसने कहा सर एक ऐसे हमारे पास एक एसेट है जिसकी लाइफ कितनी है 3 साल, ये कौन बता रहा है हमें, हमारा अकाउंटेंट बता रहा है सर एसेट की लाइफ है ना 3 साल है, सर एसेट के इनफ्लोज हैं 10 रुपए 10 रुपए और 10 रुपए, एसेट के आउटफ्लोज हैं 4 रुपए 4 रुपए और 4 रुपए, 6 6 और 6 10% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो से 14 रुपए निकली, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, कितनी निकली 14 रुपए निकली। एसेट की कैरिंग अमाउंट है मिसाल के तौर पर 25, क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है, हाँ इम्पेयर्ड है, अपेरेंटली वैल्यू न्यूज काफी कम आ रही है सर, आपका अकाउंटेंट आपके पास है, आपको उसने कहा कि यार बहुत कम कैश आ रहा है, 6 6 और 6 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितने बन जाते हैं 14 रुपए बन जाते हैं, कैरिंग अमाउंट है 25, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 15, ये एसेट इम्पेयर्ड है, ये क्या है जनाब, इम्पेयर्ड है, क्या करें बॉस, अभी ऑडिटर आएगा वो कहेगा इम्पेयरमेंट बुक करो, कुछ आइडिया देना क्या करें, बॉस है थोड़ा सा हरामखोर टाइप का, बॉस ने कहा ये कौन से कैश फ्लोज हैं, करंट है या फ्यूचर है, अंदाजा ही है ना, अंदाजा है कि अगले साल 10 रुपए मिलेंगे, अंदाजा है कि उसके अगले साल 10 रुपए मिले, अंदाजा है कि उसके अगले साल और 10 रुपए मिलेंगे, और अंदाजा है कि 4 4 और 4 रुपए का खर्चा आएगा, ऐसा है। मैं वो बॉस हूं सर, अकाउंटेंट मुझे कह रहा है सर ये हो गया नुकसान, एसेट इंपेयर्ड है, अभी ऑडिटर आएगा, ऑडिटर कौन होता, पुलिस वाले होते हैं ना पाकिस्तान में, घूम रहे होते हैं रोडों पे, ऑडिटर जो है वो आपका पुलिस वाला होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है, और देखता है अगर उसके अंदर कोई 2 नंबरी हुई है तो आइडेंटिफाई करता है और आपसे मनवाता है, आप नहीं मानते हो तो फिर आपके अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखता है कि जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने, और फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाता है ऐसा। तो अकाउंटेंट मुझे कह रहा है ऑडिटर आने वाला है और सर ये एसेट इंपेयर्ड है,
इंपेयरमेंट डालनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैंने कहा अभी इसका क्रियाक्रम करना है, ये किस चीज का एसेट है? उसने कहा सर ये हमारी गाड़ी है। ये क्या है? गाड़ी है, जो भी ऐसी बनी, ठीक है जी। मैंने कहा काम करो, ये जो आउटफ्लो है ना दूसरे साल का, इसको 40 रुपए कर दो। कितने? अकाउंटेंट ने कहा 40 रुपए, इससे तो और कम हो जाएगी वैल्यू न्यूज। मैंने कहा रुको तो सही, इसको कर दो 10 मिलियन, इसको भी कर दो कितने 10 मिलियन। अब बताओ एसेट इंपेयर्ड है। उसने कहा सर अकाउंटेंट को, उसने कहा ऑडिटर को हम कैसे राजी करेंगे कि इस एसेट से गाड़ी से 10 मिलियन रुपया मिलने वाला है। मैंने कहा रुको, हम ऑडिटर को यह कहेंगे कि हमने दूसरे साल एसेट की ओवरहॉलिंग कर दी। क्या कर दी? ये क्या होती है ओवरहॉलिंग? ना, एसेट में हमने एक चिप लगा दी, एसेट को हमने ऐसा बना दिया कि अब वो ज्यादा कमा के देगा। ऐसा हमने कहा हम गाड़ी में एक टेक्नोलॉजी डालेंगे, एक चिप डालेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी यहां से लोगों को लेकर मार्स जाया करेगी, जुपिटर जाएगी सर, उन प्लैनेट्स पे भी जाएगी जो टोटल गैस के बने हुए, और इंशाल्लाह ताला हमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम मिलेगी। अकाउंटेंट ने कहा यार ये कैसी आपने बात कर दी। उसने कहा फ्यूचर की बात करें ना तो फ्यूचर में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा। अब आया ऑडिटर, ऑडिटर ने कहा भाई एसेट इंपेयर्ड। हमने कहा नहीं, हम इस गाड़ी में एक चिप इंस्टॉल करने वाले हैं जिसपे इंशाल्लाह ताला कल से काम शुरू हो रहा है। वो चिप जैसे ही हम इसके सर इंजन में फिट करेंगे सर, ये एक ऐसी गाड़ी बन जाएगी जो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी, और इंशाल्लाह ताला एक एक महीने में हम लोगों को यहां से लेके मार्स और प्लूटो और केपलर और पता नहीं कहां कहां लेके जाएंगे हम, कभी कभी तो गैलेक्सी से ही बाहर निकल जाया करेंगे अगर लंबा ट्रिप होगा तो। तो सर लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो ये तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव जो है वो कैश फ्लोज लिए, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये जबरदस्त एसेट बन जाएगा, और मेरे हिसाब से एसेट इंपेयर्ड नहीं। ऑडिटर ने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़वाया जिसमें ये लिखा था कि एसेट की जब आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो उसकी उसी हालत में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, और अज्यूम करते हैं कि ये लाइफ के एंड तक इसी हालत में रहेगा, ठीक है जी। अदरवाइज कोई भी बंदा उठ के क्या करेगा, कल कहेगा जी जो हमारा प्लांट है इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा प्लांट बन जाएगा जिससे पूरी दुनिया को रिस्क अल्लाह देगा, यहाँ पे मनु सलवा उतरा करेगा। नहीं, आपने क्या इग्नोर करना है? फ्यूचर ओवरहॉलिंग। क्या इग्नोर करनी है? फ्यूचर ओवरहॉलिंग की कॉस्ट भी इग्नोर करनी है, फ्यूचर ओवरहॉलिंग की कॉस्ट भी इग्नोर करनी है, और उससे रिलेटेड इनफ्लोज भी इग्नोर करने हैं। यानी आपने ये अज्यूम करना है कि जो एसेट जैसा है ऐसा ही रहेगा, इस पर हम कोई ऐसा खर्चा नहीं करेंगे जिससे ये एक रॉकेट बन जाए, इस पर हम कोई ऐसा खर्चा नहीं करेंगे जिससे ये एक मिसाइल बन जाए। नहीं सर, ये एसेट ऐसा है ऐसा ही रहेगा, और इससे इसी हालत में जो कैश फ्लो जनरेट हो सकते हैं वही जनरेट होंगे, ऐसा है। अब बताओ सर हमने क्या दो चीजें मजीद इग्नोर करनी है? फ्यूचर ओवरऑलिंग का खर्चा और उसके नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इनफ्लोज। यार स्टैंडर्ड कहता है यार ये तक कि आपका ये मामला जेन्युइन भी हो ना, कि वाकई आपकी प्लान वो कि भाई मैं वाकई 3 साल बाद इस पर खर्चा करूंगा और इससे वाकई एक चीज बन जाएगी, उसको भी इग्नोर करना। अब बताओ क्या क्या इग्नोर करना? इंटरेस्ट इग्नोर्ड, टैक्स इग्नोर्ड, फ्यूचर ओवरहॉलिंग का खर्चा भी इग्नोर्ड, और ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी। अब बताओ अगर ये 4 चीजों पे मैं आपको एक अच्छा सवाल दे दूं आप कर लोगे? जी यार देखो हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम जिन चीजों को मॉडिफाई करते हैं और बेचते हैं वो हमारी इन्वेंटरी होगी। इंपेयरमेंट हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कर रहे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बड़े हम आगे दोस्त सर 2 लाइन में बता दें फ्यूचर ओवरऑलिंग क्या होता है। फ्यूचर ओवरऑलिंग का मतलब ये कि हम मुस्तकबिल में इस एसेट पे ऐसा खर्चा करेंगे जिससे इसका नक्शा चेंज हो जाएगा, इससे ज्यादा कैश जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है आप ये इग्नोर करें कि आपने फ्यूचर में इस पे कोई ऐसा खर्चा करना है जिससे ज्यादा कैश फ्लोज जनरेट होंगे। ना तो आपने वो खर्चा लेना है ना वो एडिशनल कैश फ्लोज लेना है। पक्का जी नहीं ना, गलत है ना, एक चीज हम मान ही नहीं रहे ना। स्टैंडर्ड कह रहा है ये तो कोई भी बंदा आगे कुछ भी कह देगा तो ऐसे तो कोई एसेट इंपेयर्ड नहीं होगा।
मुझे एक बंदे ने कहा भाई आपका ये लैपटॉप इम्पेयर्ड है। मैंने कहा नहीं, मैं इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूँ जो बन रहा है अभी मेरे पास, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एलियन से बातें करेंगे। याद आ रहा है ना, उसके बाप ने, ऋतिक रोशन के बाप ने भी ये कंप्यूटर बनाया था। तो बस वो बंदे ने म्यूजिक भी बजा दिया, ठीक है। तो हमने फ्यूचर ओवरऑलिंग को क्या करना है, इग्नोर करना है, पा 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 नहीं, ठीक है जी। ना माफ करे यार, कोई ऐसे लेवल के छोड़ू फिल्में। हाँ जी, लेकिन थी मजे की फिल्म। हाँ जी, नहीं प्रेजेंट ईयर में ओवरऑलिंग होगी ना बेटा, तो कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाएगी, फिर उसको, फिर उसके नतीजे में जो इनफ्लोज मिलने वो लेने हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर ओवरऑलिंग, ठीक है जी। सर, ओल्ड मॉडल की कार को रिपेयर करने के बाद उसकी इंपेयरमेंट होगी, उर्दू जुबान में सुनो, मैं बात कर रहा हूं किसकी, फ्यूचर ओवरहॉलिंग। मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है सर, FX, ठीक है जी, जो इतनी पुरानी है कि अगर मैं उसको उठा के मार्केट लेके जाऊं ना, तो ट्रक वाले को मुझे 15,000 रुपए देने पड़े और गाड़ी 14,000 की दी थी, ठीक है जी, इतनी पुरानी है। अब एक ऑल्टर आके कह रहे इम्पेयर्ड है, हाँ इम्पेयर्ड है। मैंने कहा नहीं, इसमें अभी नई सीटें लगवाऊंगा, ठीक है जी, इसकी मैं इंजन इंजन चेंज करूंगा, ठीक है जी, और मैं इसके नए टायर लगा के इंशाल्लाह तआला इसको यहीं पे मर्सिडीज बेंज बनाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद ये गाड़ी कोई 4.5-5 करोड़ की आराम से निकल जाएगी। तो सर क्या फिर गाड़ी इम्पेयर है? नहीं सर। तो हर बंदा आके कहेगा यार मेरी कोई एसेट इम्पेयर नहीं है, मैं तो कल इसमें ये करने वाला हूँ, अम्मा की वॉशिंग मशीन में हम एक चिप लगाएंगे सर, जिससे कपड़े ऐसे धुलेंगे जैसे नए हो जाएंगे, और सर फिर हम पूरी दुनिया के कपड़े यहाँ धोया करेंगे, लुंडा बाजार की पैंटे लाएंगे, नहीं करेंगे बेचेंगे, तो है इम्पेयर। इसलिए छुपा रही है कि इम्पेयरमेंट लॉस करने से लॉस आएगा, लॉस करने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से शेयर की प्राइस गिर जाएगी। तो कंपनी अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहती ऐसा। अब बताओ, ARTT में टोटल 15 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ARTT में 15,000 पढ़ते हैं, फर्क पड़ता है? हाँ सर, हर कंपनी अपना प्रॉफिट क्या करती है, बढ़ा के दिखाती है, ठीक है जी। एक दफा हम एक इंस्टीट्यूट में गए पढ़ाने के लिए, हमने सोचा हम यहाँ पढ़ाना शुरू कर दें, उस वक्त हमने ARTT नहीं खोला था। वो हमने उन्होंने अपना कैंपस देखा, उन्होंने कैंपस हमारा ना 2 करोड़ रुपए का, उस वक्त 2 करोड़ का था, 2 करोड़ का खर्चा हुआ, 2 करोड़ का खर्चा हुआ। आज हम एज अ दोस्त गए उसके कैंपस में, हमने कहा देखा तो इस कैंपस में 15 करोड़ का खर्चा हुआ। उसको कहा जब 10 साल पहले तेरे कैंपस पे आया 2 करोड़ का खर्चा था, अब 15 करोड़ का हो गया। सर हर बंदा क्या करता है अपनी चीज को, तो सर हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि अपने प्रॉफिट को क्या करे, बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करे, ऐसा। अब बताया क्या फ्यूचर ओवरहॉलिंग ये होता है ना कि फ्यूचर में जो खर्चा एक्सपेक्टेड है वो भी नहीं लेना है बिल्कुल, और ना उसके नतीजे में एडिशनल इनफ्लोज लेना। पक्का तैयार हो? मैं एक सवाल दूं, अब देखो सुनो, आपने थ्योरी में एक चीज पढ़ ली ना, अब मैं चाह रहा हूं आप उसको प्रैक्टिस में खुद अप्लाई करो, फिर मैं आपको अप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है, खुद करना है इसको, फिर मैं करवा रहा हूं। जी मेरा बच्चा क्या करें, सीधी सी बात है, वैल्यू न्यूज गिरेगी, क्योंकि आपके अब कैश फ्लोज में जो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट है वो चेंज हो गई ना, ठीक है ना। क्या चीज, एसेट्स को ओवरस्टेट करोगे तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मसला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने मुझे सिर्फ वैल्यू न्यूज निकाल के देनी, सुनो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉलोइंग आर दी कैश फ्लो एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय अ जूनियर अकाउंटेंट, टुच्चा अकाउंटेंट, ठीक है जी, बीकॉम पास वाला बंदा, ठीक है जी, उसने ये कैश फ्लोज बनाया, उसने क्या किया, कुछ इनफ्लोज बना दिए, कुछ आउटफ्लोज लगा दिया, सही। फिर उसने कहा जनाब आउटफ्लो इंक्लूड्स, आउटफ्लो में उसने गलती से कुछ डाल दिया, क्या डाल दिया, टैक्स और इंटरेस्ट डालना चाहिए ना आउटफ्लो में, नहीं सर। अब बताओ इग्नोर करूं या इसको हटाऊं, इसमें से हटाएं, इग्नोर करने का मतलब है डालो ही नहीं। अब इस बंदे ने आउटफ्लो में ये खर्चे क्या कर दिए, डाल दिए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ऐसा बताओ वैल्यू न्यूज कितनी निकालो खुद, तो
ऊपर करूं, हाँ हटा देंगे हम, बड़े हम आगे, तमाम बच्चे घर जाके जो है ना वो एक चीज देख के आएंगे, वो देखेंगे बेजूस का मॉडल, ऐसा बी ए वाई या पता नहीं बी ए, ठीक है जी, इसका मॉडल देख के आना, ये पढ़ाते कैसा। इस वक्त ये इंडिया में एक सेंसेशन बना हुआ है, ठीक है जी। हाँ, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा ये डॉलर्स में कमा रहे हैं, ऐसा आइडिया किसी पाकिस्तानी के जहन में क्यों नहीं आता। बायजूस है क्या सर? एक पोर्टल है जिस पर क्लासेस दी जा रही है, टीचिंग हो रही है भाई वहां पे, और ये क्लासेस दी जा रही है किसके लिए? पहली जमात से लेके छठी जमात तक। अब उन्होंने इसको जो है वो इंटर तक ले गए, और उन्होंने उसमें आईएएस डाल दिया, जो उनका सीएसएस है वो डाल दिया है उसमें, और बहुत सारी चीजें डाल दी। अभी ये सीए की तरफ नहीं है, बड़ा जबरदस्त मॉडल है इनका। देखते हो ऐसे बिजनेस मॉडल्स फॉलो करते हो कभी? यूट्यूब खोल के कोई ऐसी चीज देखते हो है, या फजूल चीजें देख रहे हो है? देखता है भाई तू, देखा करो यार, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा मुझे पैसे कमाने। अच्छा जी सर, यहाँ देख लो, मुझे बताओ सर, जो कैश लोज आ रहे हैं इसमें गलती है कोई ऊपर वाले कैश लोज में, या इनको नेट करके वैल्यू न्यूज ले लू? नहीं सर, इसमें मसला है। क्या मसला है इसमें सर? खाम अगर टैक्स और इंटरेस्ट डाल दिया इस बंदे ने, ये नहीं डालना चाहिए था। क्या करें हम इसमें से? हटा दें? अगर मैं हटाने जाऊं सर इसको, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो 24,600 रुपए का आउटफ्लो है, ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं, हेडिंग डाल दूं करेक्शन ऑफ आउटफ्लो जैसा, इसे डाल दूं सर? मेरे पास आउटफ्लो 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, कितना कितना है इन आउटफ्लोस? कितने? 24,600, इसमें गलती है? कितनी गलती है सर? इंटरेस्ट हटा दें इसमें से, इंटरेस्ट लेस हुआ हुआ है। क्या करूं, एड बैक कर दूं? फिर इंटरेस्ट लेस हुआ हुआ है? नहीं सर, इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है, तो हटा दें इसमें से। कितना जी? हमारे आउटफ्लोज इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स की वजह से ज्यादा नजर आ रहे हैं। कितना? 3100। आप बताओ बच क्या रहा है? 20 आगे सर मेरे पास 31,100। फिर जी उसमें क्या क्या है सर? 14 और 39। क्या आ रहा है सर मेरे पास नेट? 25,800। फिर सर मेरे पास 33,500। इसमें दो गलतियां सर, कितनी? 1,700 और 4,100। क्या आ रहा है सर नेट? 27,700। सर सेम इज द केस विद 2019 सर, 34,200 टोटल हमारे पास, दिस इंक्लूड्स 1,800 और 4,600 सर। आंसर लास्ट 25,700। ये कितना जी? 29 और 13। कितना? 21। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब कैश लोज निकालने जाऊं, अब बताएं कैश लोज हमारे पास हैं कितने? 40, 54, 59, 61 और 42। और अब बताओ सर हमारे जेन्युइन आउटफ्लोज, करेक्टेड आउटफ्लोज,
सर मेरे पास 20,000 25 और 21,000। अब बताएं सर मेरे पास नेट कैश फ्लोज कितने कितने हैं? 19,700 28,200 31,300 अब बेटा मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ किस रेट से? 12% दिया हुआ है। हाँ सर ये दिया हुआ है सर। अब आपने घर पे बैठ गए ना, इन सब की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और मुझे इसका टोटल बता दो कितना। 95080 पक्का? अच्छा सही कह रहे। अच्छा जी हमारी क्लास कितने बजे तक थी? 12 तक थी। बस हम इसको यहीं तक रखते हैं, जाते जाते एक दफा फिर चीजों को रिकॉल करते हैं। हमने कौन कौन सी चीजें वैल्यू न्यूज में एक्सक्लूड करनी है सर? इंटरेस्ट, टैक्स, फ्यूचर ओवरहॉलिंग और उसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोस। पक्का जी? थैंक यू वेरी मच जी। पीडीएफ बिल्कुल सेंड। बिल्कुल यार पीडीएफ नहीं आएगी भाई, उसके ग्रुप के ऊपर अगर लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, उधर पीडीएफ ड्राइव का लिंक है, उस सारी जो है पीडीएफ उस ड्राइव के ऊपर जा रही होती है, वहां से डाउनलोड कर लो। जो ग्रुप का लिंक है ना, जो ग्रुप का नाम आ रहा है ऊपर, है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, देख लो, मिल जाए तो मुझे बता दो।